हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 863 के अराउंड वैकेंसीज हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपको एक PDF दिखाई देगा। इस PDF में मेंशन किया गया है कि कितनी पोस्ट है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए इसे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो इस फॉर्म का जो एडवर्टाइजमेंट है वो 10/11/2023 को रिलीज हुए थे, लेकिन ये फॉर्म जो है वो फिल करना कल से यानी कि 21/11/2023 से स्टार्ट हुए हैं, और इसको फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20/12/2023 है, यानी कि 20 दिसंबर से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओनली ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्टेड है। अगर इसके अलावा किसी आप और अदर मोड से फॉर्म को फिल करेंगे या ऑफलाइन भेजेंगे पोस्ट के थ्रू, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, नाम ऑफ पोस्ट दिया है, नाम ऑफ डिपार्टमेंट दिया है, किस ग्रुप की वैकेंसी है वो यहाँ पर मेंशन है, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी किस कैटेगरी में वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम समझे, सीरियल नंबर 1 के लिए पोस्ट कोड 72/2023 यानी 23 दिया हुआ है। नाम है पोस्ट का फार्मासिस्ट होम्योपैथी, डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, और टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पर 42 है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की हैं, अनरिजर्व की 16, OBC की 12, SC की 3, ST की 7, EWS की 4, और जो हमारा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसकी 5 पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह से हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 75/23 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस की टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 1 है। तो इसी तरह से इस PDF में साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट, इस तरह से अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इस PDF को चेक कर लीजिए और अपने हिसाब से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ पर टोटल 44 सीरियल नंबर यानी कि 44 पोस्ट हैं, जिनमें अलग अलग में अलग अलग वैकेंसीज दिया हुआ, टोटल 863 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन फॉर्म को आप इस लिंक के थ्रू फिल कर सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये लिंक 20/12/2023 के बाद रात के 12 बजे के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। सॉरी। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बोला है कि कैंडिडेट वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं इस पोस्ट के थ्रू वो आपको मिलते रहें। अगर कोई भी आपका वो है जो नोटिफिकेशन मिस होता है तो उसके लिए आप खुद से ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन लोगों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी को आप कैसे चेक करेंगे। तो सारी एलिजिबिलिटी को डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं आपको एक या दो पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दूंगा, उसके बाद आप उस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए। पोस्ट कोड है यहाँ पे आपका 72/23, नाम है पोस्ट का फार्मासिस्ट का, डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, टोटल वैकेंसीज 42 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी होना चाहिए जो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो 29,200 से मिनिमम लेकर के 92,300 लेवल 5 ग्रेड की वैकेंसीज है। ग्रेड पे जो है वो आपको 2,800 रुपये दिया जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसीज है, नॉन रजिस्टर्ड और नॉन मिनिस्ट्रल वैकेंसीज है। एज लिमिट जो है वो 18-27 ईयर है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से। वहीं अगर हम बात करते हैं जो 73 पोस्ट कोड है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3 के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल सीट्स हैं 15। इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है BSc एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एज लैब टेक्नीसियन इन एनी ऑफ दीज। यहाँ पर जो ये दिया गया है अगर इसमें से आपके पास में किसी भी उसका टेक्नीसियन की एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फर्स्ट वाली एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपके पास मेट्रिकुलेशन प्लस हायर सेकेंडरी 10+2 डिप्लोमा इन MLT विद 3 ईयर है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी 10+2 विद 5 ईयर एक्सपीरियंस है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पे स्केल है वो 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल तक है जिसे ऊपर मेंशन था। एज लिमिट जो है वो यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पे 21-30 ईयर तक के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसी तरह से हम एक पोस्ट के और डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है 75 प्रोजेक्ट पोस्ट कोड है इसका, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पोस्ट है। टोटल 1 सीट है। इसमें आपका एसेंशियल में मांगा गया है MSc इन माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक बायोकेम लाइफ साइंसेज विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन PCR रिलेटेड लैब।
अगर ये आपके पास नहीं है, तो आपने अगर बीएससी इन एमएलटी या बीएससी बायोसाइंसेस किया हुआ है, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन पीसीआर रिलेटेड लैब, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मेंशन किया गया लाइफ साइंस, तो इस पोस्ट के लिए जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी इन एमएलटी नहीं है, तब भी आप इंटरमीडिएट अगर बायोसाइंस विद एमएलटी 5 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास में पीसीआर रिलेटेड लैब में, तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ इलाइजा, पीसीआर, डीएनए एक्सट्रैक्शन, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री स्टेनिंग, ठीक है, हिस्टोक्रायोसाइटो स्क्रीनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पे स्केल जो है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक है, जैसा ऊपर मेंशन था। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, मिनिमम 18 एज है और 27 ईयर मैक्सिमम एज है। अब इस सारे पोस्ट को आप एक करके अपने हिसाब से आप इसको चेक कर लीजिए। हम कुछ और पॉइंट्स की तरफ आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे वे कैंडिडेट जो किसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको कैटेगरी ए बी सी डी एंड ई करके यहाँ पर देखिए डिवाइड किया गया, ए बी सी एंड डी एंड ई। तो इसका कोड क्या है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैटेगरी ए में ब्लाइंडनेस एंड लो विजन को रखा गया है, कैटेगरी बी में डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग को रखा गया है, कैटेगरी सी में लोकोमोटरी डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल प्लेसी, लेप्रोसी, क्योर्ड ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों को रखा गया है। कैटेगरी डी में ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस के स्टूडेंट को रखा गया है। कैटेगरी ई में मल्टीपल डिसेबिलिटीज फॉर अमंगेस्ट पर्सन अंडर क्लॉस ए से लेकर के डी तक के जो स्टूडेंट है उनको ई में रखा जाएगा, इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे पोस्ट का उनके सामने दिया गया है, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना था, यहाँ लिंक दिया है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ, वहां से जाएंगे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ से आप पोस्ट चेक करके आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्म आज कल से स्टार्ट हो चुके हैं और 20-12 तक भरे जाएंगे। रात के 12 बजे से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। केवल ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके अलावा कोई अदर मोड से आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन या कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस की या जो मोड ऑफ पेमेंट है, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ रखा गया है। वुमेन कैंडिडेट जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, तो उनको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। एक बार आपने फीस पे कर दिया तो वो फीस नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो जो वुमेन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या इनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इसको फिल कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया गया है, तो एग्जामिनेशन शेड्यूल कोई भी पोस्ट के लिए 1 टायर में है और किसी पोस्ट के लिए 2 टायर में। 1 टायर मतलब एक बार में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, 2 टायर मतलब आपका 2 एग्जाम लिए जाएंगे। तो 1 टायर कैटेगरी में 86, 103, 111, 112, 113 ये सारे यहाँ पर कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, यानी कि 1 टायर में आ रहे हैं। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर की है, टोटल मार्क्स जो है वो 200 है, टोटल क्वेश्चंस जो है वो आपको 200 मिलेंगे और ग्रांड टोटल भी आपका 200 है। यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया गया, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू टाइप में होगा और 5 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ईच सेक्शन 40 मार्क्स का है, तो यानी कि 5 सेक्शन है, तो 5 × 40 करेंगे तो आपका 200 मार्क्स टोटल हो जाएगा। वहीं लास्ट वाली पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं 101 और 107 में, इसमें 2 टायर में है, टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपका टायर 1 के लिए 2 आवर की है और टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। वहीं जो टायर 2 है उसमें 3 आवर का है, 1 सेक्शन, इसमें टोटल मार्क्स 275 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। उसके बाद में आपका 25 मार्क्स का लेटर राइटिंग या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज है, तो आपका टोटल जो मार्क्स है वो 275 हो गए। उसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा जो आपने सही किए उसमें से। मोड ऑफ सिलेक्शन जो एग्जामिनेशन होगा उसके थ्रू ही लिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर इनकेस कोई गलत होता है या इनवैलिड होता है तो उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा, आपका फिर आउट ऑफ मार्क्स उसमें से आपका
सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या मिनिमम मार्क्स हैं क्वालिफाइंग, वो यहाँ पर रखे गए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए 35%, एससी एसटी पीएच या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट उनके लिए 30%, और एक्स सर्विस मैन को 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ए पर्सन विद डिसेबिलिटी हु इज सेलेक्टेड ऑन हिज हर ओन मेरिट कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट इन अ रिजर्व कैटेगरी या वैकेंसीज। तो वे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं, उसके अलावा उनको अनरिजर्व कैटेगरी में भी सेलेक्ट होने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द करस्पोंड पोस्ट नॉट नीड टू अप्लाई। अगर आपके पास जो एलिजिबिलिटी में वहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको फॉर्म को अप्लाई ही ना करें। रिजर्वेशन की जैसे ऊपर बात की गई थी तो यहाँ पर रिजर्वेशन नीचे मेंशन किया गया है, तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एससी एसटी की जो कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी की जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। और वे स्टूडेंट जो पीडब्ल्यू कैटेगरी में भी आते हैं और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में भी आते हैं तो उसमें 10 ईयर का प्लस एड हो जाएगा। जैसे पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है तो 15 साल हो गया, 10 तो पीडब्ल्यूडी का है ही, 5 साल एससी एसटी का, टोटल 15 साल हो गया। उसी तरह से ओबीसी का है आपका 3 साल का और पीडब्ल्यूडी का है 10 साल का, तो 10 और +3 हो गया आपका 13 साल का। तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है आपका वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो एजुकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो आपका एज है, एक्सपीरियंस, ये सब आपका एक्सपीरियंस जो है वो 20/12/2023 तक की काउंट किया जाएगा। अगर आप रनिंग में भी है तो आप 20/12/2023 तक अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप सारे इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लीजिए। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो आप ग्रुप पर मैसेज करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी अधिक जो नोटिफिकेशंस हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।